नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिकबैक, ओनली टेक। और यार आज है संडे, और जैसा कि आप जानते हैं संडे होता है फंडे। और आज के दिन हम बनाते हैं संडे कमेंट बॉक्स वाली वीडियो, और आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूं। तो देखते हैं यार आज के कमेंट बॉक्स हमने किस किस के कमेंट शामिल किए हैं। तो यार पहला कमेंट है टेक्निकल सुख का, और लिखते हैं नाइस वीडियो सर जी। ऐसा जी, अभी आपकी आवाज बिल्कुल साफ है, मतलब कि सबकी दुआ से आपकी आवाज ठीक हो गई हमारे प्यार की वजह से। तो यार बिल्कुल सही बात है टेक्निकल सुख जी, आपके प्यार की वजह से मेरी जो आवाज है काफी हद तक ठीक हो गई है। क्योंकि हुआ यह था यार, मुझको कहना आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है, और बारिश का चल रहा है मौसम, और जैसे ही मैंने आइसक्रीम खाई मेरा गला हो गया खराब। हालांकि आज भी मेरा हल्का फुल्का गला खराब है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं ठीक हूं। और यार टेक्निकल सुख जी, आपने मेरे लिए एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे मेरे बर्थडे पर 4 तारीख को। वो अलग बात है कि मुझे 2 दिन बाद वो मिली, लेकिन मैं उस वीडियो से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि आपने उस वीडियो में एक ऐसी लाइन बोली थी जो मुझे काफी अंदर तक दिल में गहरे उतर गई। मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ। और यार दोस्तों एक बार आपको भी वो लाइन सुननी चाहिए, तो आप देखिए इस वीडियो में। मैं सर की वीडियो पे कमेंट करता हूं, मतलब कि सर मेरा आप संडे कमेंट में आप लेते नहीं हो, ठीक है मेरा मैसेज। तो जो बंदा प्यार करेगा उनको, तो वो बंदा कभी शिकायत नहीं करेगा कि सर आपने ऐसा नहीं किया, मतलब मेरा कमेंट नहीं दिया, क्योंकि प्यार दिल से होता है और दिखाने से कुछ नहीं होता। तो यार सही कहा आपने, जो प्यार करते हैं वो कभी शिकायत नहीं करते। यार होता क्या है, मैंने YouTube में देखा है कि जिसको जैसे किसी का कॉल आया या किसी ने मेरे से बात करने की कोशिश की, तो मैंने पहले अपने WhatsApp नंबर भी दिए, Instagram पर भी मैंने बात करने की कोशिश की। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, फिर वो कहते हैं सर हमें कम्युनिटी शेयर करो या फिर प्रमोट करो, ये करो वो करो। मैं उनको समझाता हूँ भाई ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास इस तरह के आते हैं। मैं सबको प्रमोट नहीं कर सकता और किसी एक को भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है। तो कुछ लोग तो आपकी तरह होते हैं जो हमेशा प्यार करते हैं हर कंडीशन में, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनका जैसा ही फायदा पहुंचाना बंद कर दो वो उल्टी सीधी बात करने लग जाते हैं। तो ये जो लाइन आपने बोली मुझे बहुत ही पसंद आई। तो चलिए अगला कमेंट देखते हैं। अगला जो कमेंट है ये है आर्टिफिशियल गाइड, और ये लिखते हैं भाई यू वांट न्यू लोगो एंड इंट्रो। तो यार बिल्कुल सही बात है, मेरे को देखे जब मैंने चैनल बनाया था मुझे इंट्रो और लोगो बनाने की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, आज है मैं जानता हूं, लेकिन मैं लोगो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये लोगो मैंने गूगल से वेरीफाई करा लिया है। अब यार इसको चेंज करूंगा, फिर वापस से अनवेरीफाई होगा, फिर वापस से वेरीफाई होगा, लंबा प्रोसेस है यार, इससे अच्छा तो मैं अच्छी-अच्छी वीडियो ही बना दूंगा। रही बात इंट्रो की, तो इंट्रो तो मैं समय-समय पर चेंज करता ही रहता हूं। अगर आप इस इंट्रो से बोर हो गए हो तो ठीक है, अगले वीडियो में आपको नया इंट्रो मिल जाएगा। और अगला जो कमेंट है ये है मोहम्मद इमरान अली, और ये लिखते हैं कि भाई माइक कौन सा है आपका प्लीज टेल मी। तो यार मैं करता हूं बोया का BYM1 यूज, क्योंकि ये माइक काफी सस्ता है और काफी बढ़िया माइक है, और अब तो इसकी जो कीमत है वो शायद 1100-1100 के आसपास रह गई है, क्योंकि पहले जो इसकी कीमत थी वो करीब 1600-1700 रुपए के आसपास थी। मेरे चैनल पर इसका एक रिव्यू, एक अनबॉक्सिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो कमेंट है ये है सलमान जी का, सलमान यवारोरी लिखते हैं i3 में टैली, ऑटोकैड, फोटोशॉप एजेंसी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर, i3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन i3 मिनिमम 6 जनरेशन का आपको लेना पड़ेगा। अगर आप 6 जनरेशन का i3 लेते हैं तो आप ऑटोकैड चला सकते हैं, फोटोशॉप चला सकते हैं, और एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला जो कमेंट है ये है व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोस बाय नयन। अब ये लिखते हैं हेलो सर, मैंने ये थर्ड टाइम मैसेज किया है, सॉरी यार मैंने थर्ड टाइम में देख पाया हूं, एक्चुअली मैसेज ही बहुत आते हैं, आप मेरी मजबूरी को समझ सकते हैं। चलिए आपका कमेंट पढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन पूछने के लिए कि मेरे चैनल में कॉपीराइट क्लेम से बहुत से वीडियो में, तो क्या इसमें मेरे चैनल का मोनेटाइज होगा या नहीं, इस बार तो बता दो भाई, नहीं पता तो मना कर दो। तो भाई देखिए ऐसा होता है कि कॉपीराइट जो क्लेम्स होते हैं इनमें मोनेटाइज में कोई पंगा नहीं है, मोनेटाइज हो जाता है चैनल, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि जो आपका रेवेन्यू है वो कंपनी शेयर कर सकती है, यानी कि 50-50 कर सकती है, या जो भी है वो आपको जो है यूट्यूब इन्फॉर्म कर देगा, लेकिन इसमें मोनेटाइजिंग का कोई जो है मैटर नहीं है। चैनल पर जो इफेक्ट पड़ता है वो कॉपीराइट स्ट्राइक से पड़ता है, कॉपीराइट क्लेम से नहीं पड़ता है। और अगला जो कमेंट है ये है फनी मनोरंजन लाइव स्टेज, और लिखते हैं लव यू सर लव यू, ये कॉपीराइट फूल्स, अच्छा कॉपीराइट टूल्स लिखना चाहते थे एक्चुअली, ये कॉपीराइट टूल्स क्या है उसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए। तो कॉपीराइट टूल YouTube का एक नया अपडेट है जो कि कई चैनल्स को मिल रहा है ऑटोमेटिकली। अब कई लोग कह रहे हैं कि हमें 50,000 के बाद ही मिल गया, कईयों को 1,00,000 के बाद मिला, और अपने इस चैनल को तो 2,00,000 के बाद मिला। इसमें होता ही है कि जैसे अपने चैनल को मिल गया, अपने टेक्निकल योगी चैनल की कोई भी वीडियो में से छोटा सा भी पार्ट कॉपी करके अपने चैनल पर डाल देगा तो हमें पता चल जाएगा, और भाई हम चाहे तो उसे कॉपीराइट दे सकते हैं, बट मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि यार मैं कॉपीराइट देने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, क्योंकि यार सब अपने ही भाई एक दूसरे के काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अगला जो कमेंट है यह है टेक्निकल ज्ञानी भैया और ये कहता है यू आर ग्रेट सर। तो बहुत बहुत थैंक यू भाई। मैंने भी ऐसे यूट्यूबर देखे हैं जो थोड़े से सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो किसी छोटे मोटे यूट्यूबर को कुछ नहीं समझते हैं, कोई रिप्लाई भी नहीं करते हैं, लेकिन हर एक को इज्जत देते हो आप। थैंक्स, हैप्पी बर्थडे भाई, थोड़ा लेट पता चला, सोचा आज ही बधाई दे दूं। तो यार थैंक यू सो मच मेरे भाई। और यार ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली लोगों को भी लगता है कि यार थोड़े बहुत सब्सक्राइबर आ गए तो उनको अहम हो जाता है, बट मैं ऐसा नहीं मानता हूं मेरे भाई। एक्चुअली अहम नाम की दुनिया में चीज नहीं होती, वो वहम होता है, लोगों को वहम हो जाता है कि वो पता नहीं क्या बन गए, बट ऐसा नहीं है। आपका भाई मिलियन पे भी पहुंच जाएगा तो ऐसा ही रहेगा। और अगला जो कमेंट है यह है बोली बोली और ये लिखते हैं सर जी आप बहुत ही सीधे हो, सर यू आर वेरी इनोसेंट। यार मुझे चतुर बनना चाहिए क्या, चालाक धोखेबाज नहीं बनना चाहिए, तो यार मुझे सीधा ही रहने दो और इसी तरह इनोसेंट ही रहने दो, मुझे यही अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग में यकीन करता हूं। और अगला जो कमेंट है यह संतोष यादव जी का, लिखते हैं गजब की सोच है आपकी, संडे कमेंट्स में मेरा भी नाम ले लिया करो। तो भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका। एक्चुअली इन्होंने कॉपीराइट टूल्स वाली वीडियो पे कमेंट किया था, तो यार सोच की बात ऐसी है यार, एक बात बताओ, अगर कोई यूट्यूबर है बिल्कुल नया, उसने हमारी कोई वीडियो कॉपी कर भी ली तो यार हम उसको मतलब कॉपीराइट स्टे देके क्या साबित करेंगे, तो इसलिए यार मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए, तो इसलिए ही मैंने वो बात बताई थी। अगला जो कमेंट है यह है न्यू थॉट और लिखते हैं योगी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बिल्कुल सर मैं भी आपसे मिलना चाहता हूं, बहुत जल्दी मैं मीटअप्स भी प्लान करूंगा, तब आप लोगों से सबसे मुलाकात होगी। लेकिन आप में से कोई भी मुझसे अगर पर्सनली मिलना चाहते हैं तो ये स्टूडियो आपके ही द्वारा जो है मैंने पैसा कमाया और उसी से बनाया, आपका स्वागत है, आप कभी भी आ सकते हैं। मैं अलवर राजस्थान में रहता हूं, जब भी आप आना चाहें मुझे यूट्यूब पर मेल करें कि आप मतलब यही लिखे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं या मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, आप सब्जेक्ट में लिख दे ताकि मुझे पता चल जाए, मैं मेल को पिक कर लूंगा और आप अपने नंबर भी छोड़ दें, आपको कॉल कर लूंगा, आप कभी भी आप अलवर में आके मिल सकते हैं, बस आप अलवर स्टेशन तक आ जाइए, बाकी आपको एड्रेस वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा और आपका हमेशा इस स्टूडियो में स्वागत रहेगा। और अगला जो कमेंट है ये है स्मार्ट किशन दोस्त और ये लिखते हैं भाई .com के अलावा ब्लॉग के लिए .in या .org या कौन सा डोमेन सही रहेगा। तो मेरे भाई एक बात बता दूं, ये तीनों के तीनों जो डोमेन है इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, .com का मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट है ये ग्लोबली है, ग्लोबली देखी जाएगी, इनका मतलब है इंडिया के लिए, और जो .org होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं नो प्रॉब्लम। लेकिन यार .org तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया जाता है, तो आप .com लेने की ज्यादा कोशिश कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर वो नहीं मिले तो आप IN यानी कि इंडिया के लिए ले सकते हैं। और अगला जो कमेंट है ये वापस से न्यू थॉट का ही कमेंट आ गया है और इन्होंने लिखा है कि योगी जी एक वीडियो इस टॉपिक पर भी बना दो कि जो मैंने आपसे कहा था कि YouTube वीडियो वाले अपनी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करने से पहले एक पिक YouTube पर अपलोड करते हैं और फिर एक दो दिन के बाद वही वीडियो अपलोड कर देते हैं, वो पिक कैसे बनाते हैं। तो मेरे दोस्त ऐसा होता है, वो जो पिक होता है ना वो उस वीडियो का थंबनेल होता है। अब कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं कि अपने कम्युनिटी टैब में पहले वो थंबनेल आपको सेंड कर देते हैं, आपको वो लोगों को दिख जाता है और दो दिन बाद या एक दिन बाद उस वीडियो को अपलोड करते हैं। तो भाई ये एक ऑप्शन होता है यूट्यूब में कम्युनिटी टैब का, और ये यूट्यूब अपनी मर्जी से किसी भी चैनल को दे देता है। कुछ को 300 सब्सक्राइबर के बाद भी मैंने देखा है मिल गया है, कुछ को 10,000 के बाद मिला है, कुछ को 5,000 के बाद मिला है, और अपने चैनल को 50,000 के बाद जो है मिल गया था। ये एक फीचर है, उसमें हम जो है कम्युनिटी टैब को एज ए फेसबुक यूज कर सकते हैं, उसमें हम पोल ले सकते हैं, उसमें हम वीडियो का लिंक डाल सकते हैं, उसमें हम फोटो भी शेयर कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है ये है नीलेश जी का, नीलेश सावला, और ये लिखते हैं अरे ये पागल को पागल समझाए कि हमको अगर ऐसे एप्लीकेशन से कोई मनी बना सकते तो सब घर पे पूरी फैमिली के साथ बैठकर मोबाइल से पैसा बना लेंगे, यार ये एप्लीकेशन सब फेक होता है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार, सारी चीजें फेक नहीं होती, अगर किसी एप्लीकेशन से आप पैसा नहीं कमा सकते तो यार उसका मतलब वो फेक नहीं हो जाता। और रही बात घर बैठ के पैसा कमाने की, तो यार कोई भी एप्लीकेशन आपको पॉकेट मनी जितना पैसा दे सकती है, बिना काम करे कोई भी पैसा नहीं देगी। हाँ कुछ एप्लीकेशन है जो बहुत ज्यादा आपको पैसा दे सकती है, जैसे UC न्यूज है, जैसे वीगो वीडियो, लेकिन उनके लिए आपको बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा। और सब घर बैठ के पैसा नहीं कमा सकते यार, ऐसा नहीं है, वो मतलब कि सब घर बैठ के आप सबका अपना अपना काम होता है। बाकी जो एप्लीकेशन मेरे चैनल पे जितने भी रिव्यू एप्लीकेशन को है उनमें आपको पैसे लेने देने में कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी किसी भी फेक एप्लीकेशन का रिव्यू नहीं करता हूं जो आपको पैसा नहीं देगी। और अगला जो कमेंट है यह है सुरजीत दास का, ओके शायद ये सुरजीत दास है, और लिखते हैं कि कॉपी करने की हद होता है, टेक्निकल गुरुजी का इंट्रो पूरा कॉपी कर दिए, कंटेंट तो आपका अच्छा है पर अपने से कुछ करो भैया, नींद में देखिए क्या वीडियो,
या टेक्निकल गुरुजी का मैंने कॉपी कर लिया। भाई टेक्निकल गुरुजी की मैंने आज तक कोई कॉपी नहीं किया, आप लोग जानते हैं, ना तो कोई इंट्रो कॉपी है, ना तो कोई वर्ड कॉपी है, यहाँ तक कि टॉपिक भी कॉपी नहीं है। और भाई मुझे लगता है आपने रात को 1 बजे बाद वीडियो देखी क्योंकि थोड़ा नींद में होंगे। चले कोई नहीं, थैंक यू सो मच। और अगला जो कमेंट है ये है आरवाई स्टोर का, लिखते हैं सर अमेजोन से पैसे कैसे कमाए, वीडियो बनाइए। तो यार अमेजोन से आप 5 तरीकों से पैसे कमा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट है एफिलिएट मार्केटिंग, और इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा 4 और भी तरीके हैं, अगर आप मुझे बहुत सारे कमेंट करोगे तो मैं 5 के 5 तरीके एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अब हो गए हैं कमेंट समाप्त, आज के लिए इतने कमेंट थे। और आज शाम को 6 या 6:30 के आसपास मैं जो लाइव करूंगा, क्योंकि अपन ने एक वीडियो बनाई थी रोजदन एप्लीकेशन की, जो अर्निंग एप्लीकेशन थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कोई कह रहा है फेंक है, कोई कह रहा है पैसे नहीं दे रही है, तो मैंने सोचा और वीडियो हो गई है वायरल, तो मुझे लगा कि यार जब वीडियो वायरल हो गई तो बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत है, तो आज हम पर्टिकुलर उसी पर ही बात करेंगे। शाम को लाइव में आपके कोई सवाल हो तो आप तैयार रखिए, शाम को लाइव में हम रोजदन एप्लीकेशन के बारे में पूरी बातें करेंगे, क्या उसका प्रोसेस है, क्या है, एप्लीकेशन बिल्कुल भी फेंक नहीं है, पैसे वो आपको देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोग कमा नहीं पा रहे, उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वो सारी की सारी जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। यार वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए और आपको लगता है कि यार चैनल पर यूजफुल जानकारी मिलती है तो भाई कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और मैं योगी योगेंद्र आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।